अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी जो बुक है अकबर जैदी की, उसका चैप्टर नंबर 2 जो है स्टार्ट करेंगे और उसका पार्ट नंबर 1 जो है आज हम पढ़ेंगे। इमेज ऑफ फ्यूडल जो थे, जो हमारी इकोनॉमी में इमेज है फ्यूडलिज्म का, वो ये है कि मूवीज और ड्रामास में हमें एक जो पोर्ट्रे किया जाता है फ्यूडलिज्म का इमेज, वो ये है कि जो लोग बहुत लग्जरी लाइफ जो है वो स्पेंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं कि वो बेशक वो फ्यूडल हैं। जबकि ये चीज़ जो है वो हमें क्लियर नहीं की जाती कि फ्यूडलिज्म और लैंड होल्डिंग्स के बीच में डिफरेंस होता है। जो लैंड होल्डर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो फ्यूडल्स भी हों, ठीक है। जो मूवीज और ड्रामास के अंदर लग्जरी लिविंग स्टाइल जो दिखाया जाता है, बेशक वो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हो या ना हो, ठीक है, उसको हम फ्यूडल्स जो है कंसिडर करते हैं, लेकिन जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं होता। मैगजीन्स और अगर न्यूज़पेपर की बात करें, वो भी इसी तरह का एक इम्प्रेशन जो है हम लोगों पे डालते हैं कि जो नेशनल असम्बली है हमारी और प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, ठीक है, वो प्रीडोमिनेंटली जो है वो फुल हैं फ्यूडल्स से, ठीक है। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए होते हैं वो फ्यूडल्स हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो है ये एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है या नहीं, और दूसरा कि ये फ्यूडल स्टेट है या नहीं, या फिर ये एक मिथ है कि पाकिस्तान एक फ्यूडल स्टेट है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिफोर द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। सम साइंटिस्ट्स क्लेम दैट इंडिया वाज स्टैग्नेंट एंड ब्रिटिश अवेकन्ड देम फॉर प्रोग्रेस। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि कहते हैं कि जो इंडिया था, ठीक है, बिफोर द ब्रिटिश रूल, बहुत ज़्यादा जो है वो बिलो द एवरेज जो है उनकी कंडीशंस थी, उन्हें अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा लो जा रही थी। और उसके बाद जब ब्रिटिश आए तो उन्हें ब्रिटिश ने अपनी कुछ इस तरह के वहाँ पे पॉलिसीज बनाई जिनकी वजह से उन्हें आइडिया हुआ कि इस सेक्टर में प्रोग्रेस हो सकती है। Some other scientists oppose them and claims that British were cruel and the underdevelopment of today's South Asian countries is the result of that colonial impact. कुछ और जो साइंटिस्ट हैं वो ये क्लेम करते हैं कि जो ब्रिटिश का रूल था, या ब्रिटिश जो थे बाय नेचर क्रूअल नेचर के थे, ठीक है, और उनकी जो पॉलिसीज थी बहुत क्रूअल नेचर की थी कि उन्होंने जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़े हैं, और वो इवन टूडे तक जो है वो हम उन इम्पैक्ट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नेचर ऑफ एग्रीकल्चर बिफोर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश, ठीक है, एग्रीकल्चर की अब नेचर देख लेते हैं, ठीक है। हम ये कंसीडर करते हैं कि इंडिया जो था वो प्री कैपिटलिस्ट था, ठीक है, उस टाइम पे ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड अंडर मुगल एम्पायर ऑल लैंड वॉज ओन्ड बाय किंग, ठीक है, हर जो पूरा जो सारा लैंड होता था वो उस टाइम पे प्री ब्रिटिश पीरियड पे, यानी जो मुगल एम्पायर का रूल था उसमें सारा जो लैंड था वो होल्डिंग किंग के पास होती थी, ठीक है। उस टाइम पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने या फिर उसको यूज करने की कोई भी जो थी वहाँ पे रिवायत नहीं थी। 1647 में रूलिंग क्लास जो है वो कंप्राइज करती थी एम्परर्स पे एंड मनसबदार्स पे, ठीक है, जो कि मनसबदार्स जो थे वो सर्व करते थे एम्परर्स को। अब ये जो मनसबदार थे फॉर इधर गिवन, इनको या तो सैलरीज दी जाती थी, ठीक है, जो किंग था उससे, या फिर अगर वो सैलरी देने की कंडीशन में नहीं होते थे तो वो उनको कुछ एरिया अलॉट कर देते थे जिसमें वो काम करते थे, और फिर उससे रेवेन्यू कलेक्ट करके उससे अपनी भी इनकम ले लेते थे, और जो बाकी रेवेन्यू बच जाता था वो स्टेट को ट्रांसफर कर देते थे। दीज जागीरदार्स वर ट्रांसफर फ्रॉम एरिया टू एरिया, ठीक है, 4 to 5 years एक जागीरदार जो था वो एक एरिया में काम करता था और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था। और बिहाइंड जो इसके इस पॉलिसी के बिहाइंड ये एक एजेंडा था कि जो जागीरदार्स हैं वो अपनी एंट्रेंस जो बेसिस हैं वो वहाँ पे अपनी बुनियादें मजबूत ना कर लें, ठीक है, उन एरियाज में। जागीरदार्स वर ऑफिशियल्स रादर देन फ्यूडल्स, ठीक है, वो सिर्फ ऑफिशियल्स थे जो कि फ्यूडल्स ने हायर किए हुए होते थे अपनी जमीन को की देखभाल करने के लिए और प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद एक और कैटेगरी जो आती है वो जमींदार्स की थी, ठीक है, और ये लोकल लॉर्ड्स थे वहाँ के, और उनके पास ऑब्लिगेशन क्या थी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और फिर इसको एम्परर्स के पास लेकर जाते थे।
did not own the land but had a characteristic of feudal lords. ठीक है, उनका पास, उनके पास लैंड की ओनरशिप की कोई राइट नहीं होता था जो जमींदार थे. ठीक है, और उसके बाद उनकी लेकिन करैक्टरिस्टिक जो थी वो फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह की थी, यानी वो उस पे खेती बाड़ी कर सकते थे लेकिन ओनरशिप नहीं थी उसकी. वो सुप्रीम लॉर्ड होते थे उस एरिया या उस विलेज के. ठीक है, और उनके पास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर होती थी प्रोडक्शन की. ठीक है, अंडर मुगल्स रूल ऑल लैंड वॉज ओन्ड बाय द किंग. ठीक है, जितना भी लैंड था वो किंग के अंडर होता था और इनहेरिटेंस और मोर्टगेज का कोई भी कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं मिलता हमें. फिर जमींदार और जागीरदार जो थे उनके पास अथॉरिटी होती थी कि वो ओवरसाइन कर सकते हैं ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड को. ठीक है, यानी अपने जो ट्रैक उनके पास होते हैं उनको ओवरसाइन कर सकते हैं वो. मैनी केसेस में क्या है कि जब जमींदार की डेथ हो जाती थी तो क्या होता था कि उसकी जो जिम्मेदारियां होती थी वो उसके बेटे या बच्चों में जो है वो कन्वर्ट हो जाती थी, लेकिन वो भी सिर्फ एम्परर्स की विल के साथ ही होता था. अगर एम्परर नहीं चाहता तो फिर वो जो उसकी जिम्मेदारियां वो किसी और को सौंप दी जाती थी, उसके बच्चों में ट्रांसफर नहीं होती थी. 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई है तो उसके बाद मुगल एम्पायर का जो फॉल है वो होना स्टार्ट हो गया था. क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी जब वीक हो जाती है, ठीक है, तो क्या हुआ कि जमींदार जो जागीरदार जो थे वहां के, उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया और जो जो जमीन उनके पास उस टाइम पे खेती बाड़ी करने के लिए थी तो उन्होंने उसके ऊपर अपना क्लेम जो है वो स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया और अपना जो वहां पे उन एरियाज के अंदर लोग खेती बाड़ी करते थे, जो पीजेंट्स थे वहां के, उनके ऊपर भी अपना कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था. फिर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है. ठीक है, यहाँ पे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी से लिए हुए हैं. ठीक है, कार्ल मार्क्स ने तीन तरह के मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की है. एक प्रिमिटिव कम्युनिज्म है. ठीक है, एक प्रिमिटिव कंज्यूमरिज्म क्या होती है कि जहाँ पे मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डोमिनेट होते हैं कम्युनल इंस्टीट्यूट्स के, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो प्रोडक्शन होती हैं उनके अंदर होते हैं, उनकी डोमिनेंसी होती है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सरप्लस. इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि कलेक्टिव राइट्स टू बेसिक रिसोर्सेज. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग शिकार पे जाएं और वो शिकार करके जो उससे मीट मिले उसको आपस में जितनी जितनी जिसकी जरूरत हो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें. तो ये जो निज़ाम था वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म के अंडर आता है. ठीक है, इसमें कोई एक अथॉरिटी नहीं होती. ठीक है, और हायरार्की जो है वो इसी तरह होती है कि हर एक का इक्वल राइट होता है कि वो चीज को ले सकता है. नेक्स्ट जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो फ्यूडलिज्म है. देयर इज अ पार्शियल सेपरेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोड्यूसर फ्रॉम मींस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, ये एक ऐसा सोशल सिस्टम होता है फ्यूडलिज्म में. ठीक है, जो कि जिसमें जो तकरीबन मिडिल एजेस जो थी यूरोप में उसमें पाया जाता था ज्यादा. ठीक है, इसमें क्या है कि जो लोग काम करते थे, ठीक है, और उनको उनसे उनकी सर्विसेज ली जाती थी और उनको रिटर्न पे उनको लैंड दिया जाता था. ठीक है, फॉर नोबल्स हु गेव देम प्रोटेक्शन एंड यूज लैंड इन रिटर्न. ठीक है, वो उनका लैंड को यूज करते थे और इन रिटर्न उनको मिलिट्री की या फिर उनको डिफेंस की सिक्योरिटीज या फिर इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती थी. अब फ्यूडल जो स्ट्रक्चर है उसकी कुछ स्टेजेस हैं. ठीक है, एक किंग होता है. ठीक है, फिर उसके आगे नोबल्स होते हैं, फिर निट्स होते हैं. ठीक है, और उसके बाद पीजेंट्स होते हैं. ठीक है, जो किंग होता है वो कंसोलिडेट करता है, उसकी पावर होती है, पूरे लैंड उसके अंदर होता है. ठीक है, उसका वो जो है वो ऑल इन ऑल होता है, हर तरह की पॉलिसी बनाने में भी. ठीक है, और उसको इन्फ्लुएंस कराने में भी. इसके बाद जो नोबल्स होते हैं वो वेल्दी लैंड लॉर्ड्स होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं. ठीक है, उनके पास भी लैंड होता है. ठीक है, हु प्लज देयर लॉयल्टी टू द किंग. फिर उसके बाद जो है नोबल्स आ जाते हैं. नोबल्स के साथ जो है चर्च ऑफ होते हैं, चर्च ऑफिशियल्स होते हैं. ठीक है, बिशॉप्स एंड कार्डिनल्स हु आर ऑफन ऑफ नोबल बर्थ. फिर निट्स हैं. ठीक है, वॉरियर्स हु प्लज्ड इन द डिफेंड देयर लॉर्ड्स लैंड्स इन एक्सचेंज फॉर फील्ड्स. ठीक, और इसके बाद पीजेंट्स आते हैं. ठीक है, पीजेंट्स वो हैं जो काम कर रहे होते हैं दूसरों के लिए, यानी लैंड में फार्मिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उनको हम पीजेंट्स कहते हैं. इसके अलावा तीसरा मोड ऑफ प्रोडक्शन जो था वो कैपिटलिज्म था. ठीक है, इसमें कैपिटलिज्म में क्या होता है कि डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर होता है वो सेपरेट होता है मींस ऑफ प्रोडक्शन से, यानी
ये ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम हुआ कि जिसमें प्राइवेट एक्टर्स जो हैं जो के प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं फॉर देयर बेस्ट इंटरेस्ट, और डिमांड और सप्लाई जो है वो फ्रीली सेट होती है प्राइसेस की इन मार्केट इन इन द वे दैट कैन सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इसमें इसका मेन मोटिव क्या होता है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी या फिर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो गेन करना बेसिकली कैपिटलिज्म का मोटिव होता है। द एसेंशियल फीचर ऑफ कैपिटलिज्म इज द मोटिव ऑफ मोटिव टू टेक द प्रॉफिट। प्योर कैपिटलिज्म जो है उसकी 5 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्राइवेट ओनरशिप होती है उसमें, ठीक है, फ्री इंटरप्राइज होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए यानी कंपीट कर रही हो फर्म्स एक दूसरे के साथ और या इंडिविजुअल जो है वो कंपटीशन में हो, फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए और पॉसिबिलिटी ऑफ गेनिंग प्रॉफिट भी होना चाहिए।